भाजपा है जो संगठित पार्टी है, मेरे हिसाब से शेखावत जी आएंगे यहाँ पे, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। करण सिंह जी अगर आ जाओ तो सारी समस्या दूर हो जाएगी, बिल्कुल दूर हो जाएगी। दो टक्कर भारी है। केंद्र में कौन सी सरकार देखो आप? वो तो मोदी आएगा केंद्र में, तो आपके काम के विकास के साथ जीतेगी। केंद्र में तो मोदी जाएगी, विकास काम तो मोदी जी रात में हुई है, बात नहीं है। और विकास और काम आधार में तो देना हुए वोट तो कांग्रेस रो। मोदी जी गए अब की बार 400 पार, 400 पार तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, वोट हम कांग्रेस को ठेठ से देते आ रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड की तैयारी का भी उठाएं फायदा। वर्ल्ड क्लास मैट्रिक्स हाई स्कूल के सिकर कैंपस में बच्चों के प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। खमागणी राम राम था, देख रहे हो डिजिटल मीडिया और आदित्य है महारो नाम। आज मैं हूँ जोधपुर रे काली बेरी गांव और अठे लोगों से वही जानने वास्ते आए हूँ कि 18 लोग कौन से सांसद ने जितार संसद तक भेजला, गजेंद्र सिंह जी शेखावत या पचे करण सिंह जी उचियारडा। आप भी जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से हो तो आप भी बताइए जो कि इन बार कौन सो सांसद जीत संसद तक जावेला और क्यों जावेला। लोकसभा चुनावारी हर छोटी बड़ी जानकारी वास्ते थे जलकू मीडिया रे साथ जुड़े रही जो। इन बार शेखावत साहब या करण सिंह जी? करण सिंह। कई कारण है? कारण ये है कि गजेंद्र सिंह जी तो कंधे पे हाथ घुमाकर और सर पे हाथ घुमाकर घूमते और झूठा वादा करते हैं और बिल्कुल बकवास थे, मतलब कुछ विकास नाम कुछ होता ही नहीं है। और कि जो जनता है, युवा लोग जनता होता ना, युवा लड़के उनके हाथ पे सर पे हाथ घुमाकर चले जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते वो। पर वे कह रहे कि सांसद कोटे से सारा पास हो रहा है सांसद, कुछ नहीं हुआ सर, झूठा है। और पानी की समस्या की बात करूँ तो पानी से एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है यहाँ पे, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। और यह तो मतलब केंद्र जल शक्ति मंत्री थे साहब, तो यहाँ तो ना ये राजस्थान का पुन क्या है, जो शहरगढ़ वगैरह सूखा एरिया है, यहाँ नहर लिया थे वो, अगर चाहे तो नहर लिया थे, नहर नहीं ले पा कर है वो पानी। पर मैं कह कि 54 साल सु एक बांध रो काम रुकेड़ो हो जी को काम बांध ऐसा है सर, बांध कहाँ बिना, अभी उद्घाटन ही नहीं हुआ उसका तो है, कब से बिन रहा है क्या हुआ बांध अभी तक, मतलब वो बांध था गोतम्बर वैसे कुछ नाम से उधर, वो चल रहा है उसका निर्माण बहुत सालों से चल रहा है। ओ एक इन बार हैट्रिक नहीं लगा पावे लगा जो बना, नहीं लगा पाएंगे। केंद्र में कौन सी सरकार देखो आप? वो तो मोदी आएगा केंद्र में, तो यहाँ जोधपुर का बता रहा हूँ करण सिंह जी। आपने कहीं लागे? मैंने आई लागे भैया करण सिंह उछाड़ा आई जीत ही काम कराए गजुबना को हम कम करे और आटे या निरोगा योजना आड़ा वो चले को नहीं काम बिल्कुल। पर लोग कह रहे हैं कि करण सिंह जी है जी का नयो चेहरा है और शेखावत साहब 10 साल सु इनी लाइन में है, 10 साल सु सांसद है पर काम नहीं करावे न, मजदूर और बारे में कोई भी योजना नहीं लावे न, कांग्रेस सरकार तो बड़े लावे योजना भाई, हर कोई योजना चलती है, 800 हाजिरी गारंटी वाली कितनी 125 हाजिरी भराई है हर घर में भरे भाई, कोई योजना ही कोई बीजेपी तो क्या भाई हाल लाओ मजदूर आज थे नहीं चले। केंद्र में कौन सी सरकार देखो आप? केंद्र में तो मोदी जाएगी। कैडी रही है मोदी सरकार 10 साल में? सरकार ठीक है, राम मंदिर बनायो कहे और बढ़िया है, ठीक है केंद्र देश के लिए मोदी सही है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने करण सिंह जी या शेखावत साहब? हाल फिलहाल तो इनके गठबंधन बरोबर में है और ज्यादा जनता रो रुख श्री राम भगवान रे साहब थोड़ा सा बीजेपी में ज्यादा है। और ये कारण है कि जी को बीजेपी ने जिता वाला विकास री बात करा काम री बात करा? नहीं विकास काम तो मोदी जी रात में हुई है, बात नहीं है विकास तो कांग्रेस में हुई और मोदी जी रात में है, पर आज थोड़ी भावना है जबकि लोगों की आज थोड़ी राम जी के प्रति अब बार थोड़ा सा ऑक्रेज ज्यादा है लोगों रे। और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में कई मानो आप कि जी का 10 साल से सांसद है शेखावत साहब, वह इन बार हैट्रिक लगा लेला या करण सिंह जी पलटो भारी पड़ेला? देखो हैट्रिक लगाने चांस है मोदी लहर के कारण या विकास और काम लहर कारण, गजेंद्र सिंह जी खुद रखे ही नहीं है 0 पॉइंट है मोदी लहर और राम जी लहर। और जोधपुर लोकसभा में कहीं लगे शेखावत जी या करण सिंह जी? वही बढ़िया है शेखावत जी। हाँ तो सिर्फ मोदी लहर के कारण जीती या वाणा काम विकास कुछ? आपके काम के विकास के साथ जीतेगी, काम है 10 साल में वाणा। हाँ लोग मना करे की पानी नहीं तीरा मरा नहीं, क्यों तेरा क्यों मरा है पानी भूल है नहीं, और पानी कमी है तो बढ़िया आ रही है पानी ला रहे हैं, नहर तैयार हो रही है नहीं। हाँ। तो पानी तो आ जाएगा। लोग क्या कि करण सिंह जी जीत नहीं निकाल ले टक्कर है? नहीं 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 वो तो हो ही नहीं सकता।
मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी ही जीतेंगे। अच्छा मोदी सरकार जी की 10 साल में बुजुर्ग वास्ते किसान वास्ते कैडी रही? बहुत बढ़िया है, 2 टक्कर भारी है। अब पढ़ लो थोड़ा बहुत, अब करण सिंह जी भारी है बात थोड़ा। तो जीत कौन निकाल सके? लोग कह रहे हैं कि तो मोदी चक्कर में शेखावत गाड़ दियो आपरी वोट तो शेखावत जी लाए, मोदी जी लाए वोट तो पड़ी जाए शेखावत जी। तो चांस तो मतलब 50-50 है, बाय चांस थोड़ा बहुत कर दिए बोर्ड नीचे ऊपर हो जाओ तो जीत तो सके शेखावत जी। पर अब प्रचार महीने बिजी नहीं हूँ भारी, तो करण सिंह जी भारी चल रही है। 10 साल में काम और विकास की बात करूं शेखावत साहब री तो कई लागू थाने तो वो तो कीन की थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन जितो करना चाहे तो करियो नहीं है। जोधपुर उपरांत जल रक्षा मंत्री है, शक्ति मंत्री की भी करियो नहीं है थोड़ा बहुत। अगर थोड़ा बहुत की करता विकास विकास तो जनता पार्टी होती है वोट दोनों, लेकिन की करियो नहीं है। कई विक्रम भाई आपने के लागे शेखावत जी या करण सिंह जी? मेरे हिसाब से शेखावत जी आएंगे, जो जनता चाहती है उनके हिसाब से, और शेखावत जी को बहुत चाहते हैं। शेखावत जी या करण सिंह जी? करण सिंह जी। करण सिंह जी। कई कारण है, सांसद 10 साल से शेखावत जी है, सरकार मोदी जी रही है। करण सिंह जी नवा आदमी जी काम अलग ठीक कर, शेखावत पुराना जी काम करे कौन? तो 10 साल में कोई काम कोई विकास विकास करी कौन? मैं तो कह रहा हूं कि हर नल में जल भी है, पानी की समस्या दूर हो रही है, और बांध भी बना दियो शेरगढ़ में। समस्या तुम्हारे फैली हुई, समझिया मोहर फैली पूरी थी 10-15 साल हो, शेखावत जी फसा है, समझे मोहर उपात में बैठे, समझे पानी थी मतलब ठीक है, फैली मोहर आशो जी टंकी सैक्शन कर दिया, पानी लेना उन टाइम पानी आ रही है, तो लेना भी उन टाइम मोहर फैली गाड़ी जेब रुपये देने, कोई शेखावत जी नहीं आशो जी कोई मतलब को नहीं, खाली लेन गाली दूर जा सुंदर डीट करिए पहुंच जाए मेले वजन। मेरा विश्वास है करण सिंह जी। कई कारण है, 10 साल से सांसद शेखावत साहब है, तो उनका तो विश्वास क्यों नहीं? मैं तो विश्वास करता हूँ शेखावत जी में, तो विश्वास क्यों नहीं? आदमी सही नहीं है। 10 साल में कोई काम, 10 साल में कोई विकास? मकान दूड़ो दे हंगारा बटे अमीर घर में। अच्छा पानी की समस्या की बात करूँ तो? पानी समस्या है, पानी कहाँ, पानी दो डेढ़ घंटे पानी देवे, डेढ़ घंटे धीरे धीरे पानी दे, अमीर कमी बन जाए छोटे, अभी नहीं है इधर बैठे में नहीं खुला पानी भी। आपने लगे कि अगर करण सिंह जी बन जावे सांसद तो जी की समस्या हो रही है वे कम हो जावेला? वो तो देखो साहब मेरे हाथ में, लेकिन फिर कह सके हमारी चीज मैं दे सकूँ नहीं दे सकूँ मेरे हाथ में। केंद्र में कौन सी सरकार देखो आप, मोदी सरकार या कांग्रेस? मोदी की विश्वास है। आपने कही लगे जोधपुर लोकसभा में शेखावत जी या करण सिंह जी? शेखावत जी। कई कारण है, शेखावत जी ने बहुत अच्छा काम कराया जोधपुर में, खूब काम कराया, रोड देख लो, रिंग रोड देख लो, पानी की व्यवस्था देख लो, इंद्रो का डैम बनाया है, नहर का पानी वहाँ देंगे। पर लोग कह रहे हैं कि करण सिंह जी तो पलड़ो इस बार भारी देख रहे हैं, 10 साल में शेखावत साहब का कोई काम नहीं है, गांव गांव डाणी डाणी पानी की समस्या है, एक दिन छोड़ रहा है कटे, 5 दिन छोड़ रहे, एक बार आवे नहीं, ऐसे तो कोई समस्या नहीं, मैं डाणी में रहता हूँ, मैं रोज पानी आता मेरा जी का। लोग विपक्ष वाला जी की बात करें वाणे कही कहो आप? वो विपक्ष का काम यही है ना, तो किसी भी मोदी जी को कहता है कोई काम नहीं करा आज तक, और हिंदुस्तान में कितना काम है वो जनता जानती है। पर काफी लोगों भी कह रहे हैं कि विष्णु समाज रो विरोध, राजपूत समाज रो विरोध, मतलब इन बार शेखावत साहब रो विरोध क्यों? वो तो राजनीति का फंडा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग तो ये भी कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं कराया, मोदी जी ने तो नहीं कराया, पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, लोग कह रहे हैं मोदी जी ने हिंदुस्तान में कुछ नहीं कराया। संजीवनी घोटाले ने भी बात करे, संजीवनी घोटाले मतलब इसमें क्या क्या सबूत है इसका? आरोप है तो सबूत लाओ ना, वैसे तो आपको आपको कह सकता हूँ आप चोर हो, सबूत क्या आपके पास? वो तो उंगली उठाना किसे काम है, तो उसका सबूत दो ना आप। कितना वोटो सुजीत निकाल सके? लोग कह रहे हैं अगर जीत भी जावे शेखावत साहब तो मोदी लहर सुजीती या वोटर अंतराल का मुझे इन बार, क्योंकि पिछली बार 2.5 लाख वोटा सुजीत या इन बार कई लागे आपने? पिछली बार 2,14,640 वोटो से जीते हैं शेखावत जी, इससे बढ़ना ही है, कम नहीं होना है, लगभग 3 तक जा सके बिल्कुल। और मोदी जी गए अब की बार 400 पार तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। शेखावत जी या करण सिंह जी? मैंने ये ध्यान को हाथ रो निशान या कमल रो निशान है, हाथ रो निशान या कमल रो निशान? हमको तो कमल में दे, कमल नहीं बीजेपी नहीं। हाँ तो मोदी सरकार क्यों तो ने बेहतर लगे, क्यों लोकप्रिय है मोदी सरकार? हमें हैंग मोदी नहीं दे, इधर मैं ही मोदी नहीं दे। कैडी रही है सरकार किसानों वास्ते, बुजुर्ग वास्ते, गाँव वाला वास्ते? हैंग वास्ते आखिरी है, आखिरी है। हाँ मोदी सरकार आखिरी है। लोग कह पेंशन बंद हुई कि किसानों ने फायदे नहीं हो रही है, कर दे हमारे पास पैसा ना है तो हम सब कर दे सब कर दे। कई मानस बनाए लोनी विधानसभा, आपने लगे शेखावत जी या करण सिंह जी?
चेकआउट कई कारण है। लोग तो कह रहे हैं कि पानी की कमी होगी है, लूणी वाला भी 5 दिन में एक बार आ रहे है, तीरा मरा। हाँ तीरा तो मरे है, तीरा मरा है, मगर आई सर फूलीज आई शेखावत जी। तो कई कारण है, विकास काम या मोदी लहर? मोदी लहर है। और विकास और काम रे आधार में तो देना हुए वोट तो कांग्रेस रो तो लागे था ना कि वो नयो कैंडिडेट जी को है करण सिंह जी वे काम करवा दे वेला हो सके। अच्छा मौको दे दा एक बार। हां वो टाइम काम आई पहले इनकी नहीं कह सका। अच्छा वो उन टाइम इज लहर इज काम आई केंद्र में तो आप मोदी सरकार ही देखो। हां तो आज मोदी सरकार जी की है वा बुजुर्ग वास्ते गांव वाला वास्ते किसान वास्ते केड़ी रही? सही है क्योंकि काफी किसान दिल्ली में आ रहे, प्रदर्शन भी करियो, धरनों भी दियो, विरोध करियो, आंदोलन करियो, कई लागे आपने वो तो करियो तो ये देखो तो वही सही करियो, वो गलत नहीं करियो। हां और बाकी ये देखो तो मोदी जी सही जे लहर आपको नहीं भाई किसान रे ने भाई दे करियो के जिको मुआ जो पहली कई सालों इशू करियो जो कोई ये सालू ही नहीं करियो मोदी रायो पछि सब सालू होयो है। यो अरुजान देख रहे की शेखावत साहब या करण सिंह जी? हम तो कांग्रेस के जे है। अच्छा वोट हम कांग्रेस को ठेठ से देते आ रहे हैं। बस शेखावत साहब 10 साल से सांसद है, कई लागे विकास काम, केंद्र जल शक्ति मंत्री भी है, पानी री समस्या है या नहीं है? है सब कुछ समस्या जो है दूर कर देंगे। ये तो मतलब करण सिंह जी अगर आ जाओ तो सारी समस्या दूर हो जाएगा? बिल्कुल दूर हो जाएगी। केंद्र में कौन सी सरकार देखो थे? केंद्र में मैं तो सरकार तो समझ रहा हूँ कांग्रेस होनी चाहिए। कांग्रेस लोग कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार अब नहीं आएगा। शेखावत जी या करण सिंह जी? शेखावत जी। कई कारण है, मोदी लहर या 10 साल में वाला काम? ओनली फॉर मोदी। अगर 10 साल दस साल में अरे काम री बात करा, विकास री बात करा, उन्हारे माते वोट देना होगा तो विकास माते तो वोट है मेन चीज। मेन चीज क्यों, बाकी तो कोई ऐसा कोई नेता लोग है नहीं कोई पार्टी में, मोदी है जो है, बाकी तो भाजपा में देखो बड़े बड़े नेता है और कार्यकर्ता भी है, सब दृढ़ संकल्प वाला है। कांग्रेस में कोई है कौन? एक आपस में कटोरी करता दो तो भीतर। अच्छा एक तो कह रही है कि कांग्रेस में कोरोना घुस गया, अब एक आप नेता लोग दौड़ रहा है एक उठी पार्टी का अलग अलग। अच्छा भाजपा है जो संगठित पार्टी है और देश ने आगे बढ़ा होना, देश की GDP बढ़ गई, हर चीज़ रोमाने देश एक आडो आगे बढ़ गया है, पूरे विश्व रोमाने एक धर्मगुरु लाइक बन गया है, पहले को नहीं हो। पर विपक्ष वाला कह के बेरोजगारी भी घनी बढ़ गई है, गरीब है जी का और गरीब होता जा रहा है, भाजपा सरकार जी की सिर्फ पैसा वाला भी सरकार है, वाणो ही सहयोग करे, लोग आगे काम धंधा नहीं रहा है। नहीं बात तो कही है कि एक भ्रांति फैलानी है, बाकी वास्तव में वही है कि ओनली फॉर बीजेपी अलावा कोई पार्टी देश चला ही नहीं सके। 70 साल में कहीं करियो, अच्छा भारत माला बनी है तो कांग्रेस सरकार में कितनी साल मिली है, कोई विकास हुई कि नहीं, बड़ी कोई रोड बनी नहीं है। अब भाजपा सरकार में देखो आटे भी 4 लेन बन रही है, अब बिल्कुल देश तो ग्राम देवता 4 लेन बन रही है, सपना देखता आटे कट पड़ी बहुत तो, देश आगे बढ़ रही है। तो 10 साल में शेखावत साहब रो काम कैडो रहे हो, विकास कैडो रहे हो? विकास तो बहुत ही है, उन बाद में मौत भी एक तो बम फूट रही है कटी। करगिल युद्ध हुआ दौड़ दौड़ कांग्रेस सरकार में करगिल युद्ध आ गया सर, अब क्यों आ गया वे घुसपैठे क्यों आ रहा है, अब तो कोई नहीं आवे, बिल्कुल कट गया। अब जम्मू कश्मीर में आज स्वर्ग बन गया वो है और पाकिस्तान खुद गुणगान कर दिया यार, कई गजब बन गया है वे खुद आम चाहे मैं अड़ रहा हूँ पहले सीट मोही को देश विकास करिए और जय मैंने दो।